नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। हरिद्वार के गेंडीखत्ता के जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने आई महिला उम्मीदवार श्रुति लखेड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधि उस स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका इलाका वन्य क्षेत्र में होने के कारण सरकारी सुख सुविधाओं से हमेशा अछूता रहा है और पिछड़ा रहा है। साथ ही क्षेत्र की जनता उनकी संपन्न नहीं है जिसके लिए सुविधाएं अपने स्तर से वो जुटा सके। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का ये पहला चुनाव है और उनका उद्देश्य और उनकी सोच उनको जीत दिलाएगी और वो सर्व समाज के लिए काम करेंगी। क्षेत्र की जनता तक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर जनता को सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चाहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला चुनाव और क्यों मैं इसे लड़ने के लिए आज उठी हूँ। हमारा क्षेत्र एक अति पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें आज सारे जितने भी सरकारी नीतियाँ हैं कुछ भी नहीं पहुँच पाती हैं। इसके जद्दोजहद ग्रामीण सालों से कर रहे हैं परंतु जनप्रतिनिधि का जो रोल है वो मुझे कभी कभी ये लगता था कि मिसिंग है, मतलब पूरा नहीं कर पा रहे हैं जनप्रतिनिधि वो रोल, या उनकी इच्छा नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है। क्या कारण है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उतनी योगदान नहीं दे रहे हैं समाज के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। राजनीति वर्गों में बांटी गई है, समाजों में बांटी गई है और उस तरीके से हर समाज परेशान है। कोई ऐसा समाज नहीं है हमारे क्षेत्र का जो संपन्न है, सब गरीब लोग हैं।